साथियों, कल कोलकाता की तस्वीरें पूरे देश ने देखी है, आज पूरे देश में इसकी चर्चा हो रही है। भाइयों और बहनों, पश्चिम बंगाल में बीजेपी की लहर से ये दीदी घबरा गई है और घबराई हुई दीदी किस स्तर पर उतर आई है ये भी देश और दुनिया देख रही है। ममता दीदी ने दो दिन पहले ही ऐलान किया था और उन्होंने कहा था कि वो इंच इंच का बदला लेगी। ये उन्होंने सार्वजनिक रूप से घोषित किया था और उन्होंने अपना जो एजेंडा घोषित किया था उसको देखिए, 24 घंटे के भीतर ही भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भाई अमित शाह जी पर हमला करवा दिया, उनके रोड शो पर हमला करके हिंसा फैलाकर डराने की भरसक कोशिश की गई। हिंसा के बाद दीदी आप और आपके दरबारी जिस तरह की राजनीति कर रहे हैं उसकी पोल यूनिवर्सिटी के छात्रों ने ही खोलनी शुरू कर दी है। दीदी, जिस लोकतंत्र ने आपने आज जो हार करके रखा है, याद करिए, जिस लोकतंत्र ने आपको इतने मान से, इतने सम्मान से, इतने भरोसे से मुख्यमंत्री का पद दिया था, आज सत्ता के नशे में दीदी आप उसी लोकतंत्र का गला घोंटने पर उतारू है। दीदी, अरे सत्ता तो सेवा का माध्यम होती है, आप सत्ता और जनता को अपना गुलाम समझने की भूल कर रही हो। दीदी, जनता को धोखा आप दो, चिटफंड के नाम पर गरीब के पैसे लूटो आप ही लूटो, भ्रष्टाचारियों को बचाने के लिए धरनी पर बैठो आप खुद जाके बैठो, और जब पश्चिम बंगाल की जनता आपसे हिसाब मांगे तो आप गालियां देने पर उतर आई, धमकियां देने लगी, हिंसा आगजनी कराने लगी। लेकिन क्या लगता है आपको, आपकी गाली और धमकियों से मोदी डर जाएगा? ममता दीदी, आसानी से डिगने वालों में ये मोदी नहीं है, आपको ये पता नहीं है कि मोदी का रक्षा कवच 130 करोड़ देशवासी है। मेरे लिए तो देश के करोड़ों साथी ही अपने हैं, मैं उनके लिए ही मैदान में हूं, और इसलिए दीदी आपकी गालियां और धमकियों का असर मुझ पे नहीं होता है।